अस्सलाम वालेकुम जी सर, मैंने आपको आपके दोस्त आपके भाई थी अभी का सलाम है। मैं कहता हूँ तो आप चलो खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ कहीं होंगे अपने खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, हिट द बेल आइकन करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन पर व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, रब्ता कर सकते हैं। आज के दिन हफ्ता है जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। फैसल टाउन फेस टू के हवाले से कुछ नई पॉलिसी मुतवक्के है मंडे को। आज हफ्ता है जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो ये मंडे होगा। मंडे को कुछ नई पॉलिसी मुतवक्के हैं और बुध जुमेरात को मुहर्रम है 9-10, जुमे को दोबारा रिज्यूम होगा। मुझे लगता है, मेरी ज़ाती राय है कि बैलेटिंग के हवाले से मुझे ये लगता है, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन, कोई डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, मेरी ज़ाती राय, मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है कि बैलेटिंग की जो डेट जो 15 जुलाई तक दी हुई थी इन्होंने, वो फिर एक्सटेंड होगी। नंबर वन। नंबर टू, मे बी दोबारा से कोई मर्जिंग पॉलिसीज आ जाए। वो लोग जो एग्जिट लेना चाहते हैं उनको मर्जिंग पॉलिसीज मिलेंगी, या वो लोग जो मेरी ज़ाती राय कह रही है, जो मेरा एनालिसिस है वह कह रहा है कि जिनके पास मल्टीपल फाइल हैं, 10-10, 12-12, 15-15 फाइल रखी हुई हैं, वो मर्जिंग की तरफ शायद जा सके, कोई नई पॉलिसीज आने की तवक्को है। डेवलपमेंट कब स्टार्ट होगी, ये सवाल मेरा भी है और आपका भी है। डेवलपमेंट स्टार्ट होनी चाहिए और जल्दी होनी चाहिए, लेकिन अगर जल्दी नहीं भी होती तो मुझे ये लगता है कि 5-6 महीने में मज़ीद लग सकते हैं। और अगर 5-6 महीने का टाइम मज़ीद भी चौधरी साहब ले लें तो अभी तक इसकी बुकिंग को 1.5 साल हुआ है, मे बी 2 साल हो जाएंगे तब तक। फिर अगले 2 साल जो है वो बड़ी पेस के साथ उनको डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। फैसल टाउन फेस टू के मैनेजमेंट को फाइलें कब प्रॉफिट में जाएंगे, अक्सर लोगों से पूछने हैं। फाइलें तभी प्रॉफिट में जाना शुरू होगी जब वहाँ पे डेवलपमेंट होना शुरू होगी और मार्केट में उसकी डिमांड आएगी फैसल टाउन फेस टू की। जिस दिन डेवलपमेंट होना शुरू होती है फैसल टाउन फेस टू के मैनेजमेंट, ये ZM ग्रुप के पास एक कैपेसिटी है और मैं इसका विटनेस हूँ कि ये एटलीस्ट 2-3 ब्लॉक्स जहाँ पे बैलेटिंग कर रहे हैं एटलीस्ट, ये 1.5-1.5 साल के अंदर उनको क्लियर कर देंगे। और जब वहाँ पे क्लियर करेंगे तो डेफिनेटली क्लियर होने के बाद जब पोजेशनेबल प्लॉट आएंगे तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी, डेफिनेटली बढ़ेगी। और एक और चीज़ रहेगी, कांस्टेंट या इनकांस्टेंट, नॉट कांस्टेंट या मे बी कांस्टेंट, मार्केट के ओवरऑल हालात कि मार्केट रियल स्टेट की तरफ जाती है कि नहीं जाती है। अब कल परसों की खबर है कि स्टॉक मार्केट नीचे आएगी, और मैंने इस हवाले से बहुत पहले भी बात की थी कि स्टॉक मार्केट जो है बहुत ऊपर है और ये नीचे गिरेगी। अब नीचे गिरी है तो वो पैसा कहीं ना कहीं तो रोटेट दोबारा होगा, तो मुझे लगता है रियल स्टेट में होगा दोबारा से। तो मुझे आने वाले साल में 2023 या 24 की हम बात कर रहे हैं, मुझे इन द लॉन्गर रन रियल स्टेट अच्छी होती हुई नज़र आ रही है 2026 में 25-26 में। 2022 में फैसल टाउन फेस टू आया तो 4 साल तो लगेंगे, अक्टूबर 2026 तक एवेल्यूशन तो करनी, और तब तक तो आपको पैसे देते ही रहने हैं। तो इन द लॉन्गर रन फैसल टाउन फेस टू एक अच्छा प्रोजेक्ट है। जिनके पास फाइल्स मौजूद हैं वो कंटिन्यू करते रहें और सब्र करें, हौसले से काम लें। अभी सिर्फ 2 साल हुआ कि टाइम लगेगा, और जैसे ही इसे पेस पकड़ना शुरू की तभी प्रॉफिट्स भी आएंगे। लेकिन आपका मकसद ये होना चाहिए कि आपको प्लॉट मिले, आपका मकसद प्रॉफिट्स नहीं होना चाहिए। और जिन लोगों के पास मल्टीपल फाइल्स मौजूद हैं, शुरू पहले मर्जिंग ऑन थी, आज से 2-4 महीने से पहले मर्जिंग ऑन थी, तब मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि जिन लोगों ने 10-15 फाइलें ली हुई थी वो उन्होंने आपस में अपनी फाइलें मर्ज करके एक फाइल में चले गए होंगे। लेकिन बहुत सारे लोग जिन्होंने मर्जिंग नहीं कराई हुई और अभी भी उनके पास 10-15 फाइल्स मौजूद हैं, तो मैं ये एडवाइस करूँगा कि जैसे ही मर्जिंग ऑन होती है मजीद फाइलें रख के ये वेट मत कीजिएगा कि जी आपको मजीद प्रॉफिट आना शुरू होगा। फाइलों में प्रॉफिट नहीं आएगा, आप कन्वर्ट करके मर्ज करके अपनी एक फाइल रखें, 10-15 फाइलें रखी हैं ना, तो उसको मर्ज करें और 1-2 में जाएं जिसकी किस्तें दे सके और जिसका प्लॉट लें। फैसल टाउन फेस टू इस पूरे M2 मोटरवे का एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट साबित होगा और आने वाले टाइम पर कैपिटल स्मार्ट सिटी को अच्छी खासी टक्कर देगा। सिर्फ इसके डेवलपर स्टार्ट होने की देर है, उसके मामला क्लियर होने की देर है, और ये हो जाएंगे। तमाम तर लोग जिनकी फैसल टाउन फेस टू में इन्वेस्टमेंट है, कंटिन्यू करें, प्रोलॉन्ग करें। और जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है, बेहतरीन टाइम है, अच्छे खासे माइनस में मैं आपको पुरानी फाइलें लेकर दे सकता हूँ। वो लोग जिन्होंने फाइलें ली थी कि उनको प्रॉफिट में बेचेंगे, ये अच्छे खासे माइनस में मैं आपको लेकर दे सकता हूँ। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड, अस्सलाम वालेकुम।